हेलो बच्चों, तो आज हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर साइन माइनस थीटा है तब इसका वैल्यू क्या होगा, अगर यहाँ पे कॉस माइनस थीटा है तब यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, अगर यहाँ पे टेन माइनस थीटा वैल्यू है तब यहाँ पे वैल्यू क्या होगा। उसी तरह से हमारा टोटल कितना रेशियो है, छः रेशियो है, तो अगर हम थीटा की जगह माइनस थीटा रखते हैं तब उसका वैल्यू क्या आएगा, आज हम उसी के बारे में चर्चा करें। तो देखिए, सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले हम एक्सिस ड्रॉ करें। ठीक है, यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ कर दिए। चल अब क्या करते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हमें कोई पी पॉइंट ले, ठीक है, एक पी पॉइंट लिए। अब क्या करते हैं कि इस पी पॉइंट से हम इस पी पॉइंट को ओरिजिन से मिला दिए। ठीक है, अब क्या करते हैं कि P पॉइंट से हम x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। ठीक है, तो ये कितना एंगल बनाएगा, ये इसको मान लेते हैं कि थीटा एंगल बनाएगा, और ये OP लेंथ है इसको हम मान लेते हैं R। ठीक है, और इस यहाँ पे जो M इसको मान लेते हैं। अब इतना ही एंगल बना करके क्या करेंगे कि हम इधर फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या करेंगे, हम एक पॉइंट P लेंगे, जितना ये डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस नीचे, ठीक है, यहाँ पे, और जितना OP का डिस्टेंस है वही उतना ही इसको मान लेते हैं P डैश। तो देखिए, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, तो ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा, इधर कितना एंगल बनेगा, माइनस थीटा, क्लियर है। चलिए अब हम बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे इस ट्रायंगल में ओ एम पी में, ठीक है, इन ट्रायंगल ओ एम पी, क्लियर है, ओ एम पी में हम बात करेंगे, तो अगर हम साइन थीटा लेंगे, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, तो पी कितना है पी एम, और एच कितना है पी ओ। देखिए, तो ये हमारा क्या है, वाई है, पॉजिटिव वाई, और ये आर हो जाएगा, तो इसको मान लेते हैं वाई बाई आर। अगर उसी जगह अगर हम माइनस थीटा रखते हैं, अब हम जाते हैं इस ट्रायंगल में, ठीक है, इस ट्रायंगल में जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे साइन माइनस थीटा, ठीक है, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है पी बाई एच, तो पी हमारा क्या हो जाएगा ये, और एच ये, तो ये पी क्या है माइनस में वाई हो जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा माइनस वाई डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू है वो क्या आ गया, माइनस में आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, माइनस में साइन थीटा, तभी ना था कि दोनों का वैल्यू बराबर होगा, है कि नहीं। देखिए, तो इसीलिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या है, माइनस साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू क्या आया, पाई बाय आर, और यहाँ पे साइन माइनस थीटा का वैल्यू क्या आया, माइनस पाई बाय आर। तो बताइए, इस दोनों वैल्यू को क्या करना है, हमको सेम करना है, तो ये क्या है साइन थीटा है, तो साइन में हम क्या लगा देते हैं माइनस थीटा, और ये क्या है हमारा साइन माइनस थीटा। देखिए, अगर हम यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू क्या है वाई डिवाइडेड बाई आर, और साइन माइनस थीटा का वैल्यू क्या है माइनस पाई बाई आर, यहाँ पे माइनस तो माइनस लगा दिए। देखिए, तो ये कब होगा, जब यहाँ पे साइन माइनस थीटा की जगह साइन माइनस थीटा का वैल्यू कब सेम होगा, जब हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे तब। तो हम लोग रख लेते हैं कि अगर साइन का एंगल में अगर हम माइनस एंगल लगाते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस बाहर, तो इस वजह से क्या होता है, हमारा माइनस बाहर आ जाता है। उसी तरह से हम क्या करते हैं, कॉस में बात करते हैं, ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच, तो बी क्या हो जाएगा, ये इस ट्रायंगल में हम कॉस थीटा का बात करते हैं, तो बी ये हो जाएगा और एच ये हो जाएगा, तो बी कितना है थीटा और एच कितना है आ। चलिए अब हम इस ट्रायंगल में बात करते हैं कॉस थीटा, तो कॉस माइनस थीटा यानी कि बी बाई एच, तो बी कितना है, ये है एक्स, एक्स और एच कितना है ये आर। देखिए, दोनों में कोई चेंज नहीं आया, दोनों बराबर है, इसलिए यहाँ पे कॉस माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, क्लियर है, और दोनों का वैल्यू क्या है, दोनों का वैल्यू सेम, क्लियर है, इस तरह से बनाते हैं।
अब हम बात करेंगे टेन थीटा का। तो टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है पी बाई बी। तो इस ट्रायंगल में पहले टेन थीटा का बात करेंगे, तो पी हमारा क्या है? पी एम, और बी क्या है? ओ एम। देखिए पी एम कितना है? वाई, और ओ एम कितना है? एक्स। क्लियर है? चलिए अब हम इस ट्रायंगल में टेन थीटा का बात करते हैं। तो देखिए टेन और ये एंगल में थीटा क्या है? माइनस, तो माइनस थीटा लगाएंगे, क्या हो जाएगा? पी वाई बी। तो पी क्या है? ये पी डैश एम और बी क्या हो जाएगा? ओ एम। तो ये क्या है? माइनस में वाई और डिवाइडेड बाई एक्स। चलिए देखिए यहाँ पे वाई बाई एक्स है और यहाँ पे माइनस वाई बाई एक्स है, तब क्या करेंगे? इसलिए यहाँ पे दोनों का अगर वैल्यू हमको सेम चाहिए तो दोनों में क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। इसको यहाँ पे लिखते हैं, माइनस लगा देते हैं और ये माइनस पहले से है, तो ये किसका वैल्यू हो जाएगा? ये जो वैल्यू हो जाएगा माइनस टेन थीटा बराबर टेन माइनस थीटा। क्लियर है? तो ये हमारा जवाब आ गया। ठीक है, तो इस तरह से लिया हमने जब साइन माइनस थीटा, तो क्या आ जाएगा? अगर हम यहाँ पे ले साइन माइनस थीटा तो क्या होता है? माइनस थीटा। अगर हम यहाँ पे कॉस माइनस थीटा लेते हैं तो क्या आ जाएगा? कॉस थीटा, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे टेन में माइनस थीटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस में टेन थीटा। अब देखिए साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक, तो कॉसेक में भी सेम हो जाएगा, तो कॉसेक माइनस थीटा यानी कि कॉसेक माइनस में कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक, तो सेक में अगर माइनस एंगल लगाएंगे तो बाहर भी क्या आ जाएगा? प्लस ही आए, और ये क्या है? टेन माइनस में थीटा, तो यहाँ कॉट का उल्टा हो जाएगा माइनस में कॉट थीटा। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट।